नमस्ते दोस्तों, प्रकृति ने हमें सुबह से लेकर रात तक जीने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है वो दी है। इस पूरी सृष्टि ने हमें बहुत कुछ दिया है, सूरज, चांद, जल, पवन, आकाश, धरती और धरती माँ के ऊपर हम रहते हैं। माँ ने भी हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं। धरती माँ ने हमें जीने के लिए फल, फूल, हवा, जल इत्यादि दिया है। माँ का उपकार कभी ना भूले और अपनी माँ की तरह धरती माँ का भी ध्यान रखे, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। ये वीडियो तोतर माता गांव का है और ये मेरे सासू माँ का मायका है। बहुत समय से यह आने की सोच रहे थे, लेकिन आज की बिजी लाइफस्टाइल के कारण सबसे मिलना जुलना कम हो गया है। सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। ये रहे मामा जी। पापा और मामा दोनों की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी है और दोस्ती जैसी है। कोई भी काम हो दोनों एक दूसरे की मदद ज़रूर करते हैं। आज के आधुनिक समय में हम अपने पुराने खान पान को भूलते जा रहे हैं और उनमें से कुछ वन औषधि भी है जो कि पहले दवाइयों की तरह यूज होती थी। ये रहा साटा। गांव में हर कहीं ये खिली हुई होती है, लेकिन जंगली घास समझ के निकाल देते हैं। साटा कई बीमारियों को ठीक करता है, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, मूत्र रोग में भी ये रामबाण की तरह काम करता है। ये है पत्थर चट्टा। स्टोन की समस्या का निवारण है ये औषधि। और ये है वासा। गुजराती में इसे हरडूसी कहते हैं। उसका उपयोग खांसी, बुखार में ज़्यादातर होता है। अभी हम हेल्थ के बारे में जान रहे हैं तो कई तरह के अनाज, दालें, सीड्स है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। पहले के ज़माने में बाजरी, जुवार, मकई की रोटियां खाते थे, लेकिन अभी के समय में ज़्यादातर हम गेहूँ की रोटियाँ ही खाते हैं और गेहूं में ज़्यादातर ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन हमारे शरीर में घुटन पैदा करता है। तो ऐसा ना करें, सभी ग्रेन हेल्दी होते हैं, सबको मॉडरेशन में खाएं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी ये डिसाइड किया है कि हम कम से कम गेहूं का यूज़ करेंगे और हो सके उतनी हम हेल्दी चीज़ें ही खाना पसंद करेंगे। हेल्थ की बात हो रही है तो आज हम रेसिपी में विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर खिचड़ी बनाएंगे और मेन इंग्रेडिएंट्स होगा किनुआ। किनुआ हेल्थ के मामले में सबसे आगे है। किनुआ अनाज की तरह ही यूज होता है, लेकिन ये अनाज नहीं है, ये सीड्स जैसा है। ये अनाज से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये एक अमेरिकन अनाज है और पिछले 3 से 4 सालों में इंडिया में ये काफ़ी फेमस हुआ है। ये आपको ऑनलाइन स्टोर से भी मिल जाएगा और ग्रोसरी स्टोर में भी ये अवेलेबल होता है, तो आसानी से मिल जाएगा। किनुआ ग्लूटेन फ्री होता है, अमीनो एसिड्स काफ़ी होते हैं, प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और किनुआ खाने से लंबे समय तक हमें भूख नहीं लगती है। ये हमारे पेट को भरा भरा रखता है। अभी बातें तो बहुत कर ली, लेकिन पेट को भरना तो पड़ेगा ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किनुआ की खिचड़ी बनाते हैं। साथ में बनाएंगे काले चने का सलाद और रायता भी बनाएंगे। किनुआ की खिचड़ी बनाने के लिए 200 ग्राम किनुआ लेंगे। जितना हमने किनुआ लिया है उतना ही हम चावल लेंगे, या फिर आप उससे कम भी ले सकते हो। 100 ग्राम हम मसूर दाल लेंगे। 50 ग्राम हम मूंग दाल लेंगे। 50 ग्राम हम होल मसूर लेंगे और 25 ग्राम हम उड़द दाल लेंगे। उड़द दाल को हम कम ही रखेंगे थोड़ी। अभी सबको मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करके 2 से 3 बार इसे
वॉश कर लेंगे। धोने के बाद पानी ऐड करके भिगोने के लिए इसे छोड़ देंगे। तब तक हम कुछ वेजिटेबल्स चॉप करके तैयार कर लेते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए वेजिटेबल्स में 4 मीडियम साइज के प्याज को हम काट लेंगे। गाजर को भी लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। 2 कैप्सिकम को भी काट लेंगे। आपके पास ग्रीन बीन्स, कॉलीफ्लावर ऐसे भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। अभी मसाले के लिए हरी मिर्च, अदरक, लहसुन लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे करी लीव्स के पौधे हैं, तो फ्रेश करी लीव्स ही हम ऐड करेंगे खिचड़ी में। इसकी अरोमा काफी अच्छी है। तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाए तभी 2 टीस्पून सरसों के दाने, 2 टीस्पून साबुत जीरा, बेसिक खड़े मसाले ऐड करेंगे। कटी हुई प्याज को हम ऐड कर लेंगे। 20 से 30 करी लीव्स ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हींग ऐड करके मिक्स कर लेंगे। प्याज जब हल्की सॉफ्ट होने लगे तब हम गाजर, कैप्सिकम, हरे मटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अभी सब्जियों के हिस्से का नमक ऐड करके मिक्स कर लेंगे। सब्जियां सॉफ्ट होने लगे तब अच्छे से कलर के लिए कच्ची हल्दी को ग्रेट करके ऐड करेंगे। कच्ची हल्दी का कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा, मिक्स कर लेंगे। ये रही हमारी राजकुमारियां ईवा, हीवा और शनाया, तैयार होके आ गए हैं। सोच रहे हैं कि आज बाहर क्या कर रहे हैं सब लोग। हमने जो पिनवा, दाल, चावल भिगोने के लिए रखे थे वो ऐड कर देंगे। और 3 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। अभी हमने 1 लीटर के करीब पानी लिया है। अभी इसे होने देंगे। बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हो। पहले के ज़माने में माखी, मच्छर जैसे जीव जंतु को दूर रखने के लिए नीम के पत्तों का धुआं किया जाता था, लेकिन हम अभी सिर्फ कचरा जलाने के लिए धुआं करते हैं। अभी यह काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो बाकी की रेसिपी में पार्ट 2 में दिखाऊंगी और पार्ट 2 में
काले चने का सलाद भी होगा, रायता भी होगा और बहुत सारी बातें भी होंगी। तो पार्ट टू का इंतज़ार ज़रूर करना, जल्द ही आऊँगी वीडियो लेके। बाय बाय।